नमस्कार बच्चों कैसे आप आप सभी लोग लोग मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे तो 2.2 तो अभी आपको दो डेटा दिए रहेंगे पहले क्या होता था बस एक्स दिया रहता था आप उसका स्टैंडर्डियन निकालते थे लेकिन समझिए ऐसे आपका डेटा है एक्स और एक्स मतलब दो डेटा दिए गए हैं ठीक है थीके? अभी आपको उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बताना यानी कि तो फिर आप कैसे बताएंगे तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ है? लिखते हैं बताइए ऐसे सिग्मा ठीक है अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे कंबाइंड स्टैंडर्ड एवियशन ना तो यहाँ पे नीचे लिख देने का सी ठीक है अब उसके बाद इज इक्वल टू फिर उसके बाद रूट ओवर एकदम ध्यान से देखो बहुत ही इजी फॉर्मूला है आपको फटाक से लर्न हो जाएगा ठीक है ये लिख दिया हमने ये है एन वन अच्छा ये एन वन और एन टू क्या होगा तो देखो ये जो आपका डेटा है ना इसका साइज है एन वन और इसका साइज है एन टू एन आपको पता है ना तो यहां पे मैंने क्या लिखा एन वन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे एन वन लिख दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ये पहले डेटा का ठीक है और उसका स्क्वायर करने का एकदम ध्यान से देखो समझा रही हूं आपको देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर उसका स्क्वायर उसके बाद प्लस उसके बाद यहाँ पे आता है डी ठीक है अब डी कैसे निकाला जाता है मैं आपको अभी यहाँ पे समझाऊंगी ठीक है डी वन का स्क्वायर यानी ये जो आपका पहला डेटा रहेगा उसके लिए हम डी वन निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है डी वन डी टू कैसे निकालना है मैं आपको समझाऊंगी फिर यहाँ पे प्लस लिखा इधर एनवन लिया था अभी इधर एन टू लेना हर जगह जहां पे वन था वहां पे टू टू लिखते जाओ बाकी सब सेम तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे टू लिखना इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी टू और इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नीचे लिखना क्या लिखेंगे एन वन प्लस एन टू समझ में आया आपको तो ये होता है फॉर्मूला किसका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा का ठीक है अब स्टैंडर्ड इविशन तो आपको निकालना आता है वो तो आपने कितनी बार सीखा है पहले किया है वो आप निकाल लोगे फटाक से ठीक है लेकिन ये डी वन कैसे निकालोगे डी टू कैसे निकालोगे तो चलिए उसके लिए आपको फॉर्मूला बता देती हूं डी वन का फॉर्मूला और डी टू निकालने का फॉर्मूला देखो क्या लिखने का यहाँ पे पता है बार एक्स बार ठीक है मतलब मीन ऑफ फर्स्ट डेटा ये जो फर्स्ट डेटा है ना उसका मीन माइनस माइनस करने का मीन ऑफ कंबाइंड डेटा यानी अभी मैं आपको समझाती हूं रुको पहले लिख लेने दो ठीक है पहले लिख लेने दो फिर मैं आपको बताती हूं अब ये दोनों है क्या देखो ये मीन है किसका पहले डेटा का मीन तो आपको निकालने आता है पहले सीखा है ना उसके बाद ये दूसरे वाले डेटा का मीन है ठीक है और ये क्या है तो ये देखो कंबाइंड डेटा का मीन है मतलब ये दोनों का मीन एक साथ निकाला है तो अब ये दोनों का मीन हम एक साथ कैसे निकालेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला है देखो यहाँ पे लिखने का मीन ऑफ कंबाइंड डेटा अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखिए एन वन इन टू एक्स बार ऑफ एक्स वन मतलब ये जो आपका पहला डेटा रहेगा ना उसका हम लोग मीन निकालेंगे फिर उसका एन वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब जो साइज ऑफ द डेटा रहेगा उसके साथ उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस लिखने का फिर यहाँ पे एन टू उसके बाद x बार और 2 मतलब ये जो दूसरा वाला डेटा रहेगा उसका हम लोग मीन निकालेंगे और n2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड किससे करना है तो n1 वन प्लस एन से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा कंबाइन मीन इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट कंबाइन मीन कहते हैं देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं या फिर पूरा फुल लिख देती हूँ चलो कंबाइंड मीन ओके देखो ये सी से आपको समझ में आ रहा है ना एक्स बार मतलब क्या होता है मीन होता है और यहां पे लिख दिया मैंने सी तो सी मतलब क्या कंबाइन चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंबाइन मीन तो अगर आपने इतने फॉर्मूले लर्न कर लिए तो एक्सरसाइज 2.3 आपके लिए एकदम इजी समझो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ ठीक है एकदम ध्यान से देखना समझिए आपके पास दो सेट ऑफ डेटा दिए गए हैं मतलब एक्स और एक्स करके तो सबसे पहले आपको उसमें बोल दिया कि आप है ना स्टैंडर्ड इविशन निकालो तो स्टैंडर्ड इन निकालने के भी पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा तो ये कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा अब कंबाइंड मीन निकालने के पहले पहले डेटा का मीन निकालो दूसरे डेटा का मीन निकालो ठीक है फिर ये वाला फॉर्मुला यूज करो एन वन इंटू एक्स बार मतलब एक्स वन का बार यानी कि मीन ऑफ फर्स्ट डेटा प्लस एन टू इंटू मीन ऑफ सेकेंड डेटा अपॉन ऑन एन वन प्लस एन टू मतलब साइज ऑफ साइज ऑफ फर्स्ट डेटा प्लस साइज ऑफ सेकेंड डेटा ठीक है क्लियर है आपको तो ये मेन निकालने का फॉर्मूला होता है फिर आपको कंबाइन स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे देखो ऐसे रूट ओवर ठीक है रूट ओवर पूरा इधर लगाने का उसके बाद एन वन फिर ब्रैकेट में क्या आएगा स्टैंडर्ड एवियशन का स्क्वायर पहले डेटा का पहले इधर ना वन वाला रहेगा मतलब जो भी आपका फर्स्ट डेटा है जैसे ये है न, वन है ना एक्स वन तो देखो वन वन लिखा है उसके बाद प्लस फिर एन टू फिर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डी वन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस कंबाइन कम्बाइंड मीन फिर डी टू कैसे निकालोगे तो एक्स बार माइनस कंबाइन मीन ठीक है वही है बस जब आप डी टू निकाल रहे हो तो वो सेकंड डेटा का मीन यहाँ पे होना चाहिए और जब आप d1 निकाल रहे हो मतलब पहले डेटा का आपके पास मीन यहाँ पे होना चाहिए ठीक है तो इतना फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.3 आपके लिए कुछ भी नहीं है इसीलिए फॉर्मूले लर्न करो देखो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देखो गलती कहाँ पे होती है मैं आपको समझाती हूँ आप लोग है ना फॉर्मूले याद नहीं करते हो फिर क्योंकि इतनी जल्दी ऐसा देखने से याद नहीं होगा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर याद करने की याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी तब तो याद होगा ना तो हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले याद नहीं करते आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं भी ठीक है हम लोग भी जब भी पढ़ते थे तभी फॉर्मूले लर्न नहीं करते थे और सम्स सॉल्व करने के लिए चले जाते थे तो बताओ जब तक फॉर्मूला याद नहीं तब तक आप सम्स कैसे सॉल्व करोगे इसीलिए आप वो गलती ना दोहराएं आप सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न करें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे आपको फटाफट सारे क्वेश्चन आएंगे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप खुद से भी सोल्व कर पाओगे ठीक है इसीलिए ये लर्न करो और एक और चीज लास्ट में एक और चीज बताना चाहूंगी जो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको काम आएगा देखो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आप है ना को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालो तो वो कैसे निकालोगे वो भी सीख लीजिए क्योंकि इसमें ना एक और ये दूसरा कंसेप्ट भी है ठीक है को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम लोग सीवी लिखते हैं ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो ये होता है यहाँ पे लिखने का क्या लिखने का स्टैंडर्ड एवियशन अपॉन में लिखने का एक्स बार इन टू हंड्रेड ठीक है तो बस ये बहुत इतना सा, ये छोटा सा को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे ठीक है क्वल टू स्टैंडर्ड अपॉन एक्स बार इंटू हंड्रेड ठीक है और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो ऑफ वेरिएशन है ना इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में ही आता है क्यों परसेंटेज में आता है क्योंकि हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप याद करिए जब आपको परसेंटेज निकालना रहता है तो आप कैसे निकालते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं समझिए आपको 600 में से 500 मार्क्स मिले मतलब 600, 600 आपके टोटल मार्क्स है ठीक है आपको 500 मार्क्स मिले हैं तो कैसे निकालते हो 600 को नीचे लिखोगे 500 को ऊपर लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 तब जाके आपको मिलेगा परसेंटेज सही है कि नहीं तो यहां पे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना मतलब इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा यह बात ध्यान में रखना ठीक है तो ये याद कर लो ये याद कर लो बस कहानी खत्म एक्सरसाइज टू आपके लिए कुछ भी नहीं है ठीक है तो सब लोग तैयार हो क्या अच्छा पहले ये लिख लो उसके बाद एक्सरसाइज टू को हम शुरू करते हैं